हाय फ्रेंड, माई सेल्फ मेघा। आई होप एंड आई विश आप सब लोग अपने घरों में सेफ और अच्छे होंगे। आज की मेरी वीडियो उन देवदूतों के नाम डेडिकेटेड है जो इतने दिन से दिन रात एक करके हमारे लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं। ऑल डॉक्टर, ऑल हेल्थ वर्कर एंड ऑल पुलिस, हम लोग उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें ना, वो कम है। वो कहते हैं ना, दुनिया में जब भी कुछ आपदा आया, भगवान अलग अलग रूप में आके इंसानों की मदद किए हैं। शायद इस सिचुएशन में भी भगवान इन लोगों के रूप में आके हमारी मदद कर रहे हैं। बुरा तो तब लगता है जब ये लोग हमारे लिए अपने घर बार, अपनी सुख सुविधा, अपनी बच्चे, अपनी फैमिली सब छोड़ के हमारे लिए हमारे पीछे लगे हुए हैं। उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए, हमारी सेफ्टी, हमारी भलाई चाहिए। बट हम लोग उनको दे क्या रहे हैं? डिसरेस्पेक्ट, आर्गुमेंट, कहीं कहीं पर उनको ऊपर अटैक भी होता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग उनको रेस्पेक्ट कीजिए, उनकी काम को रेस्पेक्ट कीजिए। हम लोग एक महीने बाद भी हम वहां जा पाएंगे, पार्क जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं। बट एक बार ये वायरस हमारे अंदर घुस गया ना, फिर हमारी लाइफ ही फिनिश हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ये छोटा सा है कुछ प्रॉब्लम? नहीं, इतना तो छोटा नहीं है। इतना छोटा होता तो गवर्नमेंट एक दिन में इतनी लॉस करके, करोड़ करोड़ रुपीस की लॉस करके लॉकडाउन करता नहीं ना। कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम होगा ना जिसके लिए ये सब हो रहा है। आपको क्या लगता है, हम लोग एक दिन हमारे बच्चे अपनी फैमिली के दूर रख सकते हैं? नहीं ना। उन लोगों को देखिए, 15-15 दिन, एक एक महीने अपनी फैमिली, अपने बच्चों से दूर रह रहे हैं। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो रात को सोते हुए अपनी माँ को याद कर करके रो रो के सो रहा होगा। कितना बुरा लगता होगा उन लोगों को जो अपनी बच्चों के पास नहीं जा सकते हैं, अपने बच्चों को प्यार भी नहीं कर सकते हैं। इतने दिन दिन, इतने महीने महीने उनसे दूर रह रहे हैं। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हम लोग सुधर जाएंगे तो उन लोगों का भी काम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वो लोग भी जाके अपनी फैमिली के साथ मिल पाएंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे। तो आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए और उन लोगों की साथ दीजिए। जितना जरूरी ना हो तो बाहर मत निकलिए। बाहर जाओगे तो फिर ग्लोव्स और मास्क पहन के जाइए और बार बार हाथ धोइएगा। थैंक यू।
कहीं कहीं पर उनके ऊपर अटैक भी होता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग उनको रेस्पेक्ट कीजिए, उनकी काम को रेस्पेक्ट कीजिए। हम लोग एक महीने बाद भी हम वॉक जा पाएंगे, पार्क जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, बट एक बार ये वायरस हमारे अंदर घुस गया ना, फिर हमारी लाइफ ही फिनिश हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ये छोटा सा है कुछ प्रॉब्लम? नहीं, इतना तो छोटा नहीं है। इतना छोटा होता तो गवर्नमेंट एक दिन में इतनी लॉस करके, करोड़ करोड़ रुपीज़ की लॉस करके लॉकडाउन करता नहीं ना। कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम होगा ना जिसके लिए ये सब हो रहा है। आपको क्या लगता है, हम लोग एक दिन हमारे बच्चे अपनी फैमिली के दूर रख सकते हैं? नहीं ना। उन लोगों को देखिए, 15-15 दिन, एक एक महीने अपनी फैमिली अपने बच्चों से दूर रह रहे हैं। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो रात को सोते हुए अपनी माँ को याद कर कर के रो रो के सो रहा होगा। कितना बुरा लगता होगा उन लोगों को जो अपनी बच्चों के पास नहीं जा सकते हैं, अपने बच्चों को प्यार भी नहीं कर सकते हैं। इतने दिन दिन, इतने महीने महीने उनसे दूर रह रहे हैं। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, हम लोग सुधर जाएंगे तो उन लोगों का भी काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो वो लोग भी जाके अपनी फैमिली के साथ मिल पाएंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे। तो आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए और उन लोगों की साथ दीजिए। जितना ज़रूरी ना हो तो बाहर मत निकलिए, बाहर जाओगे तो फिर ग्लोव्स और मास्क पहन के जाइए और बार बार हाथ धोइएगा। थैंक यू।